मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सभी ओबीसी जातियों को समान आरक्षण पर विचार के लिए बढ़ाया गया जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल। नागपुर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 250 ग्राम मेफिड्रीन जब्त कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। और आरणी शहर के कई हिस्सों में घुसा बाढ़ का पानी, पिछले 3 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। विस्तार से ओबीसी समुदाय की सभी जातियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। महीने भर पहले ही न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि आयोग ने अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग नहीं की है और जुलाई अंत तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सवाल ये है कि अगर कमीशन ने अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग नहीं की थी तो सरकार इसे बढ़ाती जा रही है। 2017 में ओबीसी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर बनाए गए जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल 13वीं बार बढ़ा दिया गया है। इस आयोग ने ओबीसी से जुड़े सारे आंकड़ों को डिजिटल मोड में डालने और ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने से पहले एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने की सिफारिश की थी, जिससे कहीं ना कहीं ओबीसी जातिगत व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी हो जाती। यदि वर्तमान माहौल में ये व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो खास तौर पर यूपी और उत्तर भारत के कई राज्यों की राजनीति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में यादव वोट बैंक का 90 के दशक के बाद से ही खासा असर रहा है और इस वोट बैंक में काफ़ी वृद्धि भी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति यादवों के नाम पर आधारित है, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि आजमगढ़ की जीत, जिसमें पार्टी के यादव उम्मीदवार की जीत हुई है, उससे कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी के खाते में आ रहा है और फिलहाल पार्टी ओबीसी की राजनीति में कोई बदलाव कर अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। संजय राउत ने सभा से चले जाने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे काम था, इसलिए मीटिंग के बाद मैं चला गया। मैं उठकर सभा से चला गया, यह खबर देने वाले लोग मूर्ख है। ऐसी खबरें देने के लिए एक तंत्र काम कर रहा है, ऐसी जानकारी संजय राउत ने मीडिया को दी। अच्छा, बाहर बातम्या पसरलेल्या आहेत, पण काल बहुसंख्या खासदार उपस्थित होते, इतना शिंदे यांचे चिरंजीव नव्हते, तर आता आम्ही काय करणार? भावना गवळी नव्हत्या, बाकी बहुसंख्या खासदार उपस्थित होते। बघा, बैठक 12 वाजल्यापासून 4 वाजेपर्यंत चालली, बैठक संपल्या होती, मी निघून गेलो, मला सामनात काम होतं, कामं आहेत माझ्यासमोर, खूप रेंगाळत नाही मी कधी कुठे, आणि या ज्या कोणी बातम्या दिल्या दुसून गेले वगैरे ते मूर्ख लोक आहेत, त्यांना कळत नाही नक्की काय चाललं आहे ते। अशा अफवा पसरवणं, खोट्या बातम्या पसरवणं, यासाठी यंत्रणा काम करते। भाजपा नेता किरीट सोमय्याने पत्रपरिषद आयोजित की थी। इस वक्त सोमय्याने महाविकास आघाड़ी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, महाविकास आघाड़ी ने गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जल्द से जल्द मेट्रो का काम करने का अनुरोध भी इस पत्र परिषद में किया। 4 अहवाल रिपोर्ट बाहर आले, या 4 ही मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार, त्यांनी सिस्टा नावाचा एका कन्सल्टंट कंपनीला नेमलं। दिल्ली मेट्रो ऑलरेडी ऍडवायझर आहे मुंबई मेट्रोची, MMRDAची स्वतःची समिती आणि भारत सरकार नगर विकास, या सगळ्यांनी 2020 आणि 2021 मध्ये 7 बैठका घेतल्या आणि निष्कर्ष हा आला की कांजूर मध्ये जर कारशेड हलवण्याचा प्रयत्न झाला तर तिथे एकाच मेट्रो लाईनचं कारशेड होऊ शकते, 3 मेट्रो लाईनचा कारशेड होऊ शकत नाही। दुसरं, ज्यांनी पैसे दिले, जापान फायनान्शियल कॉर्पोरेशन, गॅरंटी भारत सरकारची, लीगल एक्सपर्ट यांचा अभिप्राय होता की आरे कारशेड हलवू नका। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारी लोकांचा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, 3 कारशेड एका ठिकाणी होणार, हजारो कोटीचा फायदा होणार, रिपोर्ट वेगळा म्हणत होते। आणि म्हणून आता मला MMRDA कडून सगळी माहिती डॉक्युमेंट प्राप्त झाले आहेत, मी पुन्हा एकदा
मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आग्रह करतो कि ताबड़तोब आरे कार सेट का काम चालू कराव आणि तीन कार सेट एका ठिकाणी येणार हा भ्रम दूर करून उरलेल्या एका कार मेट्रो लाइन साठी दुसरा ठिकाणी कार सेट ची व्यवस्था करा। नागपुर क्राइम ब्रांच के एनडीपीएस ड्रग्स विरोध पथक ने दिनांक 10 जुलाई को एक बड़ी रेड की, जिसमें पुलिस ने आरोपी इब्राहिम खान, अकबर खान, शेख फारूक शेख, महमूद रिजवान खान, वाहिद खान, इन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 250 ग्राम मेफेड्रिन जब्त कर लिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। नागपुर क्राइम ब्रांच की जो एनडीपीएस अमली पदार्थ विरोधी पथक है, इसने दिनांक 10 तारीख को एक बड़ी रेड की, जिसमें हमें तीन आरोपी मिले और जिनके पास से 250 ग्राम मेफेड्रिन, जिसे एमडी भी कहा जाता है, ये ड्रग बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत आज की कीमत अगर उसे मार्केट में देखी जाए तो कुल ये 25 लाख रुपए के करीबन इसकी कीमत है। इसमें आरोपी है इब्राहिम खान, अकबर खान, रहने वाला ये नंदनवन नागपुर, शेख फारूक शेख महमूद, आज़ाद कॉलोनी ताजबाग सक्करदरा, और तीसरा जो आरोपी है रिजवान खान वल्द वहीद खान, ये रहने वाला है सक्करदरा का। इन सब के पास में से ये टाटा इंडिगो वाइट कलर की, इसमें ट्रैवल कर रहे थे। हमारी क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना मिली और एक इन्होंने ट्रैप रचकर बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन की हद में इन्होंने इनको पकड़ा और इनके पास में से ये 250 ग्राम एमडी, जो कमर्शियल क्वांटिटी में एमडी है, इसको बरामद किया गया। और इसमें कलम 8(22) 29 एनडीपीएस एक्ट, इसमें हमने गुनाह दाखिल किया है पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी में और इसमें पुलिस पूरी आगे की छानबीन कर रही है। सजा है 10 साल से लेकर 20 साल तक इसमें सजा एनडीपीएस एक्ट में होती है, अगर प्रूव हो गया तो हम लोग इसमें अभी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और भी देखते हैं, अगर इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो इसमें और कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसमें उसका भी हम लोग जायजा लेके कार्रवाई करेंगे। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
के बाद आपका स्वागत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने गढ़चिरौली के दौरे पर थे। वह कुछ समय के लिए गढ़चिरौली जिले के आरमोरी तालुका में पैनगंगा नदी पुल पर रुके और वास्तविक बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर संजय मीना और पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने जल स्तर और जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी भी इस समय दी। थाने में पानी की अनिश्चितता के कारण एक मारुति सुजुकी सेलो कार फड़केपाड़ा झील में डूबने की घटना सामने आई है। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कार को बाहर निकाला। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायत के अनुसार फड़केपाड़ा खरदी गांव दीवा में एक मारुति सुजुकी सेलो कार में सड़क और पानी की अनिश्चितता के कारण फड़केपाड़ा झील में डूब गई। घटना में किसी को चोट नहीं आई। दमकल वाहन और एक बचाव वाहन के साथ दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और तालाब में डूबे चौपहिया वाहन के चालक यूसुफ पठान को झील से सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाड़ी में और कोई नहीं था। शील पुलिस कर्मियों, आपदा प्रबंधन इकाई के कर्मियों और दमकल कर्मियों ने रस्सी के सहारे चारपहिया वाहन को झील से बाहर निकाला और चालक को सौंप दिया। आर्मी शहर के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्से में पानी भर चुका है और नालों में भी पानी भर गया है, जिससे नागरिकों को भय का वातावरण निर्माण हो गया है। आर्मी शहर में कभी कभी हल्की से मध्यम बारिश आ रही है। हालांकि आधी रात से हो रही बारिश के कारण शहर में अरुणावती नदी उफान पर है और नालों में भी पानी भर गया है। नालों का पानी शहर के कई हिस्सों में घुस गया है। शहर के आदर्श नगर, हाफिज बेग नगर, सिकंदर बेग नगर, नारायण लीला नगर, भौसिंग नगर में पानी भर गया है। नतीजतन उपरोक्त वार्डों के नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है और भय का वातावरण निर्माण हो गया है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्र की रिपोर्ट। इस वर्ष की आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर बीड के गेवराई तालुका के रुई गांव के नवनिर्वाचित जोड़े को नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ विट्ठल भगवान की आधिकारिक महापूजा का सम्मान मिला, जिसके बाद गांव लौटते ही उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर रुई गांव के नवनिर्वाचित जोड़े को विट्ठल भगवान की आधिकारिक महापूजा का सम्मान मिला। इस बीच यह वारकरी जोड़ा अपने गृहनगर बीड पहुंच गया। बीडकरों ने भी उनका स्वागत और सम्मान किया। भक्त राजेंद्र मुस्के के आवास पर वारकरी जोड़े को विट्ठल की मूर्ति से सम्मानित किया गया। मुरली नवले और उनकी पत्नी जीजाबाई एक किसान दंपति है जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी वारी परंपरा 1987 से चली आ रही है और इस साल उन्हें ये सम्मान मिला और बीडकरों को भी उन पर गर्व है, इसलिए इस जोड़े का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। खूप आनंद वाटतो आहे। मी 35 वर्षापासून वारी करतो, आम्हाला मान मिळाला ह्याचा लईच आनंद झाला। मुख्यमंत्री वगैरे भेटले? हां, मुख्यमंत्री त्यांच्याबरोबर पूजा झाली आपली, मग जास्त आनंद वाटला। समजा यापूर्वी कधी बीडला मान मिळाला होता का? नाही, बीडला नाही कधी मिळाला। बीडला मिळाला तर जास्तच आनंद झाला। समजा फक्त आमचे पाय चांगले, त्यांच्या वारीला यावा, नेहमी नेहमी आम्ही असेच वाढी घरो आमचे, दुसरं काही मागणी नको आम्हाला, काही काही नको। नाही मिळाला, पहिल्यांदाच मिळाला होता, त्याच्यामुळे तर आणखीन जास्त। आम्हाला मुख्यमंत्र्याशी पूजा झाली त्यांची, वारकऱ्याची, त्यामुळे आम्हाला जास्त बीड जिल्ह्याला पण आनंद झाला। आणि आमच्या घरी त्यांचे राशनिवासस्थानी पाय लागल्यामुळे आम्हाला वाटलं की प्रत्यक्ष विठ्ठल रुक्मिणीच आमच्या घरी दर्शन दिल्याबद्दल इतका आनंद झाला की खूप असं सांगू शकत नाहीत आम्ही, इतका आम्हाला आनंद झाला। विठ्ठला रुक्मिणीची मूर्ती आणि त्यांना साडी चोळी देऊन त्यांचा आम्ही सत्कार केला। तो वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।